कांग्रेस अगर संविधान को ईमानदारी से 50% भी ईमानदारी से लागू कर देती तो ये कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। समान विचारधारा की पार्टियां एक संगठन बना के लड़ेंगी इस आरएसएस के खिलाफ। ये लड़ाई है मनुस्मृति और संविधान की। मुद्रा पोर्ट पर 3-3 हज़ार का ड्रग्स पकड़ी जाती है, चुप। अडानी को सारा देश बेच दिया, हिंडनबर्ग पर नहीं बोलते। बीबीसी की जो पिक्चर आ गई तो उसको करे बैन करो। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी जाति जनगणना करके ईमानदारी से उनको सबका हिस्सा देंगे। चंद्रशेखर ही एक ऐसा सितारा नजर आ रहे हैं जो आने वाले समय में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में सक्षम है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट सीव इंडिया। और आज पूरा देश बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में मैं भीम आर्मी के तमाम और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीर सिंह है सर जी। वीर सिंह जी, क्या कहेंगे आज बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुजन समाज के तमाम लोगों को? मैं बहुजन समाज और इस देश के तमाम लोगों को बाबा साहब के 132वें जन्मदिवस पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके विचारों पर चलने की समस्त देशवासियों से गुजारिश करता हूं। और देश का लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, पूरे देशवासियों से मेरी गुजारिश है कि संविधान को बचाएं और देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी एकता मिशन से ज़्यादा लोग जुड़े। चंद्रशेखर ही एक ऐसा सितारा नज़र आ रहे हैं जो आने वाले समय में बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में सक्षम है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्या लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी कितना बदला है बहुजन? बहुजन बहुत थोड़ा बदला है। बहुजनों को कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, और अभी अभी एक नई पार्टी आई है हमारी, ये आम आदमी पार्टी, इन्होंने सबको, सभी पार्टियों ने इस बहुजन समाज को एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया है, अधिकार देने का काम नहीं किया। कांग्रेस अगर संविधान को ईमानदारी से 50% भी ईमानदारी से लागू कर देती तो ये कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। और अभी उम्मीद जगी थी भाई ये हमारे केजरीवाल जी तो बाबा साहब की उंगली पकड़ के और संविधान सिर पे रख के आए थे राजनीति में, अब ये भी भूलने लगे उनको। जैसे ही चुनाव जीते तो ये भी मंदिर में पहुंच गए अपना, और गुजरात में बोले गणेश की और जो ना लक्ष्मी की फोटो आनी चाहिए, तो ये भी नकली साबित। तो कहीं आपको लग रहा है मतलब राजनीति में बाबा साहब का यूज हुआ है? बस यूज हुआ है, उस विचारधारा पे काम करने की जरूरत है सर। ईमानदारी से संविधान पे काम करें तो इस देश में किसी को समस्या होगी ही नहीं। सभी को न्याय मिले, सभी को सुरक्षा मिले, सभी को चिकित्सा मिले, सभी को जो ना रोजगार मिले, शिक्षा मिले, इस चीज़ की तो गारंटी दे रहा है ना संविधान। लेकिन उस पर कौन कितना काम करते हैं? वो तो शपथ लेते के उसको बंद करके रख देते हैं। 80% नेताओं ने संविधान को नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा चैलेंज है। पढ़ते नहीं है, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो फिर ये गुजारिश है समस्त देशवासियों से, संविधान को बचाइए। आज आरएसएस ने आपकी सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर। कैसे आप बार बार संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर संविधान अगर है, जिंदा है इस देश में, तभी तो आप प्रोग्राम मना पा रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। सर अभी नाम मात्र का जिंदा है, सांसें घुट घुट के ले रहे हैं। आपको पता है संविधान बना लिया इन लोगों ने, उसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद वर्ड हटा दिया प्रस्तावना से, और हमारे पास हमारी पार्टी के कार्यालय में रखा संविधान। तो फिर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी विरोध कब करेगी फिर इसका? विरोध तो हम तो रोज ही कर रहे हैं ना। 24 में जो है ना समान विचारधारा की पार्टियां एक संगठन बना के लड़ेंगी इस आरएसएस के खिलाफ। ये लड़ाई है मनुस्मृति और संविधान की, पार्टी कोई हो, लड़ाई है विचारधाराओं की। लेकिन मनुस्मृति तो सर खत्म हो गई ना आज़ाद जब संविधान लागू हुआ, क्यों घर घर में पढ़ाई जा रही है, बच्चों को जो पैदा होते हैं दिखाते सभी सिखा देते हैं। आज जो है ना अगर वो ख़त्म हो जाती, क्या जितेंद्र बेगवाल को मूछ रखने पे मारा जाता? हजारों में एक लड़का था देखने वाला, उसको देख कर तबीयत खुश हो जाए। क्या इंद्र बेगवाल को पानी पीने पे मारा जाता? क्या एक आईपीएस अफसर को राजस्थान में घोड़चड़ी पर नहीं चढ़ने दिया? ये आज़ादी है। और अभी क्या ये दलाल मीडिया दिखाता नहीं? बठिंडा में जो है ना राइफल चोरी होगी और जो ना सारा मीडिया चुप, 4 जवानों को मार दिया। मुद्रा पोर्ट पर 3-3 हज़ार का ड्रग्स पकड़ी जाती है, चुप।
अडानी को सारा देश बेच दिया, हिंडनबर्ग पर नहीं बोलते, बीबीसी की जो पिक्चर आ गई तो उसको करे बैन करो, हैं गुजरात जो ना वो कश्मीर फाइल आई तो बोला इसको टैक्स फ्री कर दो दिखाओ, ये बड़ा नाटक चल रहा है सरकार का। बाकी आज जो ना बाबा साहब का जन्मदिन, इनको आज ज़्यादा खिंचाई के मूड में नहीं हूँ मैं, सबको धन्यवाद और बाबा साहब की। लेकिन फिर भी अभी क्या रहेगा चंद्रशेखर जी का और आजाद समाज पार्टी का प्लान क्या है बहुजनों को स्ट्रांग बनाने का, कि वो लगातार कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तभी कुछ करेंगे, तो क्या सत्ता ही रास्ता है? हाँ सत्ता ही रास्ता है, ये सब तालों की चाबी ही सत्ता है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी जाति जनगणना करके ईमानदारी से उनको सबका हिस्सा देंगे, ना किसी के साथ अन्याय होगा ही नहीं, ये ईमानदारी से संविधान को लागू करेंगे, ये हमें भरोसा है। जब ये पार्टी सत्ता में आई तो हम जो ना चोर बाजारी नहीं करेंगे, ये हमारा है कि ईमानदारी से संविधान से भारत को बात करनी नहीं। तो देखिए आजाद समाज पार्टी का पंडाल है ये, मैं यहाँ पर हूँ अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, और लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग हैं, और वो यहाँ पर बाबा साहब के जन्मदिन पे जो है यहाँ पर पंडाल लगाते हैं, और लगातार इसी से जन जागृति बढ़ती जा रही है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।